जय सियाराम दोस्तों, मैं अंकुश बर्मन और आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो थंबनेल में आप लोगों ने जो देखा वही के ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाया है मैंने। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि जो बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि एक लोग पेन से ड्रॉ करते हैं उंगली में इस तरह से लगा के, तो ये इस तरह से लगा के फिर कैसे ड्रॉ करते हैं वो जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं वो ही आप लोगों को बताऊँगा। तो पहले आपको क्या करना है, जिस तरह से आप नॉर्मल ड्राइंग में बनाते हैं ग्रिड बना लेना है, इस तरह से बनाना है ताकि बाहर कैमरे से ना दिखे। और आप जिस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो उस रेफरेंस फोटो को भी सेम टू सेम साइज में ग्रिड अप्लाई कर देना है उसमें। तो उसके बाद आप कलम्स को आपको इस तरह से अपनी उंगली में मास्किंग टेप ये रहा, इसी टेप से आप लगाएंगे तो वो पेन जो है स्टेबल रहेगा। अगर आप सेलो टेप या फिर व्हाइट टेप ब्लैक टेप जो भी है वो सब अप्लाई करेंगे तो बार बार हिलेगा, इसलिए आपको इस तरह का टेप लेना है। और आपको ये पेन के इस तरह से आपको बनाना है कि कम से कम लगभग आपका ये जो पेन है उंगली के बाहर लगभग 20 मिलीमीटर बाहर होना चाहिए। तो इसके बाद आपको इसको पेन को मास्किंग टेप से बांध लेना है। तो आप ड्राइंग को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग को स्टार्ट करना है आपको आइस से स्टार्ट करेंगे। तो एक साइड से कंप्लीट कर करके आप जो है ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह से आप करेंगे तो बहुत आसानी होगी। मैं भी यहाँ एक रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने वाला हूँ पेन से, तो वो आप लोगों को आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगी कि मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने बस इतना ही जानकारी आप लोगों के लिए रखा था, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए।